पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18 और 20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की ये आशंका जताई गई थी। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी ही शिकायत अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के संबंध में की गई थी।